देश के लगभग 16 राज्यों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दिल्ली, जहां हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि जो कोरोना के मरीज हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर दिल्ली में, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और इसी तरह से बाकी के राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक से जरिए समझाते हैं कि किन किन राज्यों में ओमिक्रॉन के कितने केस हैं और अब तक देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या कितनी हो चुकी है। तो देश के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक और यहां महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 85 ओमिक्रॉन के मरीज निकलकर सामने आए। इसके बाद से राजधानी दिल्ली का नाम आता है, जहां 50 से ज्यादा मरीज अब तक हो चुके हैं। हालांकि साथ के साथ कुछ मरीज रिकवर भी हुए हैं। तेलंगाना में बात करें तो 38 ओमिक्रॉन के मामले, ओडिशा में इसी वेरिएंट के 4 मरीज निकलकर सामने आए हैं। साथ ही अगर बात राजस्थान की करें तो यहां पर 23, कर्नाटक में 31 मरीज निकलकर सामने आए हैं, केरल में 29 और गुजरात में 30 ओमिक्रॉन के मरीज। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज निकलकर सामने आए। आंध्र प्रदेश में भी देखें तो 2 मामले और चंडीगढ़ में 1 मामला निकलकर सामने आया। इसके साथ तमिलनाडु में 34, पश्चिम बंगाल में 2 मरीज निकलकर सामने आए। हरियाणा और लद्दाख में भी अब 1-1 मरीज ओमिक्रॉन का हो चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले रुक करते हैं स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा अगर केस की संख्या आई है तो वो राजधानी दिल्ली में आई है। क्या हाल है ओमिक्रॉन वेरिएंट का राजधानी में? देखिए, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि लगातार ओमिक्रॉन के मामलों में जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है और अब 67 मरीज जो है देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 23 के आसपास जो मरीज हैं वो रिकवर कर अपने घर भी पहुंच चुके हैं। और देश के हम आंकड़े की बात करते हैं तो लगभग 325 के आसपास जो आंकड़ा है वो आज जो है पहुँच गया। तो ऐसे में लगातार इजाफा ओमिक्रॉन के मामलों में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिला। कल भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है दिल्ली में एक बैठक की और होम आइसोलेशन की प्रक्रिया को किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, आने वाले समय में टेस्टिंग की जो सुविधा है उसको और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कई बड़े फैसले जो है लिए गए थे। ठीक है, इस पर आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक करते हैं गाजीपुर का, जहां से हैदर अली हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर अली, क्या कुछ अपडेट है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आपके पास? देखिए दीपिका, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जहां ओमिक्रॉन के दो मरीज हैं, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद के अंदर ही आए थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र और राजस्थान से होकर आए थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो कल ही गाजियाबाद में 7 कोरोना मरीज भी साथ के साथ निकले हैं, जिसको लेकर भी जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि नाइट कर्फ्यू का उन्होंने आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही व्यापारियों को अपील की गई है कि जब मास्क हो मास्क के साथ ही लोगों को सामान दिया जाए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पहले भयावह तस्वीर देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती कि दोबारा से ऐसी भयावह तस्वीर हो, क्योंकि तो एक दिन पहले ही कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसको भी निरस्त कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सभी ये चाहते हैं कि जो जो भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश में पिछली जो सेकेंड लेयर थी उसे देखने को मिलती, ऐसी ना देखने को मिले, इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन पहले से ही उसे भी दिखाते हुए सब कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में आज गाजियाबाद के एक्टिव केस 27 है और कहीं ना कहीं दिन पर दिन इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर जो दो वेरिएंट गाजियाबाद में थे उनकी अभी इलाज चल रहा है, होम आइसोलेशन है। उनके साथ उनके संपर्क में आए हुए जो 35 लोग हैं तो वो भी होम आइसोलेशन में है। अगर बात की जाए यहाँ पर मार्केट की और व्यापारियों की, जब व्यापारियों से इस बारे में बात की गई तो व्यापारी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि वो स्वागत करते हैं सरकार की गाइडलाइन का, जो 200 लोगों की उन्होंने सार्वजनिक समारोह के लिए उन्होंने आदेश जारी करे हैं, या इसके अलावा जितने भी उन्होंने रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू का आगाज किया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी इसमें शामिल है और व्यापारी खुश है। हमारे साथ गाजियाबाद के जो मेन गाजियाबाद के व्यापारी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ इस बारे में। सर, गाइडलाइन जारी की गई है नाइट कर्फ्यू की, तो कैसा देखते हैं इसको आप? मैं कह रहा हूँ कि ये गाइडलाइन बहुत अच्छी हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है।
कि आने वाले कल के अंदर कल को कोई ऐसी समस्या खड़ी ना हो जिससे कि कल को हमें परेशानी हो, तो मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सही समय सही निर्णय लिया। अच्छा, ऐसा भी है कि ये बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, तो क्या उसका अमल करेंगे? बिल्कुल हम अमल कर रहे हैं, हमने पहले भी गाइडलाइन जो सरकार ने करी थी हम उसके ऊपर पूरा अमल करा, और मैं अब कहना चाहता हूँ कि अब हम भी आज से ही हमने अब इसके चीज को अमल शुरू कर दिया है, जो भी कस्टमर हमारी दुकान पर आएगा बिना मास्क पहने उसको कपड़ा नहीं लेंगे। देखिए दीपिका, साफ तौर पर व्यापारी भी अब यही चाहते हैं कि कोरोना की जो भयावह तस्वीर उन्होंने पहले देखी थी वो अब दोबारा ना देखनी पड़े, और यही वजह है कि सरकार भी ये चाहती है कि जो ऑक्सीजन की कमी पहले हुई थी वो दोबारा ना हो, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमलावर है, हर चीज में मुद्दे ढूंढता है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष इसको लेकर पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारे आरोप लगा चुका है। वही अगर दीपिका गाजियाबाद की अगर ग्राउंड जीरो पर बात की जाए तो कल योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है गाजियाबाद में, वो एक रोड शो करने वाले हैं, उसके बाद ही ये लागू हो जाएगा जो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू होगा। ठीक है, हैदर अली हमारे साथ बने रहिए, स्पर्श शर्मा का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, क्योंकि कल बीते दिन आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक की थी और वो ओमिक्रॉन को लेकर ही की गई थी, उसको लेकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई और अभी किस तरह से जो राजधानी है उसमें ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियां की गई हैं? देखिए दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में 118 मामले जो है कोरोना के निकल कर सामने आए और एक्टिव केस जो है लगभग 700 के आसपास पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में अब चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी रोकने के लिए जो तैयारियां वो करती हुई नज़र आ रही हैं। डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो होम आइसोलेशन में मरीज होते हैं उनके पास जो है दिल्ली सरकार की जो टीम है वो जाएगी, जो स्पेशल किट है वो जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी, दवाइयां जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो माइल्ड सिम्टम वाला जो है वेरिएंट है, ऐसे में लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत जो है वो कम पड़ती है, तो लोग जो है घर में रहकर अपना इलाज करा सकते हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो है सरकार तैयारी कर रही है, लगभग 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन होते हुए नजर आए इसको लेकर तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 1 लाख अगर होम आइसोलेशन में मरीजों के घर तक भी जाना हो तो उसको किस तरीके से जो है पॉसिबल किया जा सकता है उसको लेकर जो है तैयारी की जा रही है। मरीजों की टेली काउंसलिंग यानी घर पर ही जो मरीज अपना इलाज कर रहे हैं होम आइसोलेशन में उसको दिन प्रतिदिन डॉक्टर से किस तरीके से जो है जुड़ाव उनका हो सकता है उसको लेकर जो है तैयारियां दिल्ली सरकार के द्वारा जो है की जा रही हैं। तो ये कुछ तैयारियां जो है की जा रही है, लेकिन जो हालात हैं जमीनी स्तर पर ग्राउंड स्तर पर वो कहीं ना कहीं इसके उलट है। तमाम बाजारों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, लोग कोविड अप्रोप्रिएट का जो बिहेवियर है उसका पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये कुछ जो जो पाबंदियां हैं वो किस तरीके से अब आने वाले समय में और कड़ी की जा सकती है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ जिला प्रशासन को ये कहा गया है कि वो अपने स्तर पर जो तमाम पाबंदियां वो लागू करता हुआ नजर आए। स्पष्ट बने रहिए, हैदर अली का रुख कर लेते हैं। हैदर, जिस तरह से सरकार तो सतर्क है, अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है पूरी तरह से, कर्फ्यू की बात कही गई है, अब कर्फ्यू भी लग जाएगा योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद से, लेकिन लोग कितना जागरूक है? क्योंकि जब कोरोना आया था, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तब देखा गया था कि लोग बहुत ही लापरवाह देखने को मिले, और दूसरा वैक्सीनेशन से भी लोग कतराते हुए नजर आए थे। देखिए दीपिका, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद एनसीआर के अंदर खासकर भी लोगों के अंदर जो पहले भय था कोरोना का, वो तीसरी लहर को लेकर नहीं है। हालांकि प्रशासन पहले से ही अलर्ट करता हुआ रहा है कि सैनिटाइजर और मास्क को ना छोड़े, इसको जिंदगी के रूटीन के तौर पर रख ले, लेकिन लोग जो है वो भीड़ की तादाद में जो मार्केट हो चाहे बाजार हो, खुलेआम बाजार लगाए जा रहे हैं, साप्ताहिक बाजार लग रहा है, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रज्जियां होती हैं, मास्क नहीं लगाए जाते, जबकि डीएम जो गाजियाबाद के हैं उन्होंने आदेश जारी किया था कि जब भी कोई बाजार लगेगा या साप्ताहिक बाजार होता है या मार्केट होती है उसके अंदर मास्क और सैनिटाइजर को सबसे ज्यादा यूज किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और कहीं ना कहीं लोग भी खुद जागरूक नहीं है और लोग कुछ खासकर भी खुद नहीं चाहते, कहीं ना कहीं डर नहीं है और यही वजह है कि अब प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर प्रशासन कड़े कदम नहीं उठाएगा तो आने वाली तस्वीर दोबारा से भयावह हो सकती है, क्योंकि आम जनता पहले भी कोरोना से लेकर जो पहले वेरिएंट था, जो सेकंड लेयर थी, उसका काफी नुकसान गाजियाबाद की जनता को देखना पड़ा था, जहां एक तरफ बाजार बंद हो गए थे, लोगों की आने जाने का रास्ता बंद हो गए थे, कर्फ्यू लगाया गया था, पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा था, लेकिन अब सरकार नहीं चाहती कि दोबारा से ऐसा लॉकडाउन लगाया जाए, इसलिए पहले से ही सतर्कता बरते हुए नाइट कर्फ्यू का आगाज किया गया है और लोगों को समझ
समझना पड़ेगा कि नाइट कर्फ्यू का आगाज उनकी सेफ्टी के लिए है। अगर वो अभी से ही कोरोना की गाइडलाइन को लेकर अगर चलते रहेंगे, मास्क लगाते रहेंगे, सैनिटाइजर का यूज करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इस भयावह तस्वीर से बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रदेश सरकार अलर्ट है।